अस्सलाम वालेकुम गाइस, कर रहे हैं आप सभी जी दोस्तों। आज की वीडियो में लेकर आ गया हूं भाई एक इलेक्ट्रिक स्टोव। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो है ना गैस बिल्कुल ना होने के बराबर आ रही है कराची में, स्पेशली जहां पे मैं रहता हूं। तो आप जो है हमें ज़ाहिर सी बात है दूसरे ऑप्शन पे देखना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक स्टोव जो है वो आता है इस कैटेगरी में। अच्छा, इलेक्ट्रिक स्टोव की भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, कि एक अच्छा वाला आता है, कि एक जो है वो फ़ैन वाला आता है इलेक्ट्रिक स्टोव, एक हाई क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्टोव आता है जो हाई वोल्टेज वाला होता है, इसमें दो इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं, और एक ये जो है इकनॉमिकल वाला आता है। मेरे पास आज जो है वो इकनॉमिकल वाला है इलेक्ट्रिक स्टोव है, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, आपको अगर मैं इसकी प्राइस बताऊँ तो आप जो है वो लगभग एक वक्त का डिनर या एक वक्त की मील की जो है पैसे उसके मुताबिक ये एक आपको इलेक्ट्रिक स्टोव मिल जाएगा, यानी कि इसकी कितनी रिजनेबल प्राइस है। तो विदाउट एनी फर्दर डू जल्दी से फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक स्टोव की, और देखते हैं भाई कैसा है भाई, क्या इसके अंदर खसूसियात हैं, क्या क्या ये फीचर प्रोवाइड करता है, और कैसा ये वर्किंग करता है इलेक्ट्रिक स्टोव इतनी कम प्राइस में भी, क्या ये अपना काम करता है। यानी जल्दी से मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम भाई हसन है, आप देख रहे हैं छोरो टेक, और ये देख लो। जल्दी से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ, जल्दी से मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और आपको उसकी हर एक चीज़ खोल के रखने वाले हैं कि कैसे काम करता है या नहीं। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले भैया, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को बिल्कुल ही फ्री है एच प्रोटेक्ट के नाम से, साथ ही साथ में यार लाइक भी कर दिया करो, लाइक आजकल जो है ना काफ़ी कम आ रहे हैं। अच्छा, फेसबुक पर भी मेरा पेज है, फेसबुक एच प्रोटेक, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें एच प्रोटेक, वहाँ पर भी मैं डेली अपनी स्टोरीज अपडेट करता हूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ वहाँ पे भी, मैं नया कंटेंट इससे हट कर भी, तो वहाँ पे भी जाके मुझे लास्ट में ही फॉलो कर लेगा। जल्दी से फिर आप इसकी यार काफ़ी मंजन बेचने के बाद इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये रैपिंग में आया है, पैकेजिंग आपके सामने है। अच्छा, इसकी जो प्राइस है ना वो मैं साइड में शो कर दूँगा, और मैंने आपके अगर प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे एच फोर टेक पर रब्ता कर लें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, मैं आपको इसका जो है कंप्लीट डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो प्रोडक्ट आपको दिखाया जाएगा इस वीडियो में वही चीज़ आपको मिलेगी। ये खुल जाए तो मैं आपको बताऊं, और टेपिंग भाई यार, पैकेजिंग खुल गई है भाई फाइनली पैकेजिंग। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक स्टोव, उसके अंदर कुछ भी नहीं है रैपिंग के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्टोव है, और इसके ऊपर जो डिटेल्स मेंशन की गई हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव है ये, कोई पता नहीं क्या रशिया में या चाइनीज़ में लिखा गया, रशिया में लिखा गया, 1000 वॉट का है ये। मैं आपको पहले ही कह रहा था कि ये जो है इकनॉमिकल बजट रेंज वाला है इलेक्ट्रिक स्टोव, तो ये 1000 वॉट का है, इससे ऊपर जाएंगे तो 4000 वॉट का भी है, 3000 वॉट का भी है, 5000 वॉट का भी है, अगर दो स्टोव लेंगे आप एक ही में तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। मैंने एक इकोनॉमिकल वाला बजट वाला लिया पहले ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, ये तो आप हर कोई इंसान बाय कर सकता है, 3 ईयर की वारंटी भी दी गई है इसमें। बाकी जो है आप देख सकते हैं ईजी टू क्लीन है, यूनिफॉर्म हीटर, सिंपल ऑपरेशन है भाई ये, नोप है। बाकी डिटेल आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये भी डिटेल आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इधर इंग्लिश में दिया गया हुआ। 1 कुकिंग प्लेट है, वेरियस हीटिंग ऑप्शन है भाई, पता नहीं क्या क्या इसमें इतने सारे ऑप्शन दे दिए, जबकि इसकी जो प्राइस है ना वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। नीचे भी आप देख सकते हैं, इसको बॉक्स ओपन करते हैं भाई, बॉक्स के अंदर जो है ना कुछ भी नहीं है। बॉक्स ओपन करते के साथ ही हमारा जो है ये निकल कर आता है, ये कोई नोब्स वगैरह हैं, आई डोंट थिंक सो, ये क्या चीज़ है भाई। बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, बॉक्स को यहाँ पे रख देते हैं। रैपिंग को उतार दिए हमने, मैनुअल बुक दी गई है जो कि मैं आपको दिखा दूँ मैनुअल बुक किसके अंदर है, इंग्लिश में भी है और चाइनीज़ में भी है, रशिया में भी है, ये आप देख सकते हैं मैनुअल बुक है।
पॉज करके पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ये अच्छा, ये कॉइल है, ये कॉइल वाला जो है इसका ओपन कॉइल होगा। ये इकोनॉमिकल बजट वाला है तो जाहिर सी बात है यार, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इसके तार भी यहाँ पे दिख रहे हैं, वायर अगर आप देख पाएँ ये टिकेगा। अच्छा, इसमें जो है ये नॉब है, नॉब ये जो है ऑन एंड ऑफ करने का है। ये 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये आप ऐसे करेंगे, पता नहीं भाई कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 ये फुल हो जाएगा, ये बन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है इसका कॉइल, ये यहाँ से जो है इसका नेगेटिव है और यहाँ से इसका पॉजिटिव है। जब ये दोनों चीज़ें चलेंगी तो ये फिर हीट मारेगा, ये गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो आप इसके ऊपर कोई भी पटीली वगैरह या कुछ भी आप इसके ऊपर जो रखेंगे तो वो चीज़ से जल्दी हीट कंडक्ट करेगी, क्योंकि वो आपने स्टील की रखी होगी तो ये भी स्टील की जो है ये फुल हीट पर अपनी होगी। तो उसके पार्ट ये होगा, मैं आपको उसका चला के भी दिखाऊंगा रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, ऐसी वीडियो में दिखा दूंगा। इसका टार की जो लैंड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग भाई एक ही, एक मीटर भी नहीं है, 0.5 मीटर है ये। तो टार इसका काफ़ी ज़्यादा छोटा है, आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, 1000 वोल्ट का है ये। ये नोब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये क्यों दिए गए हैं नोब, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट डाउन करें, कोई इसका कोई पर्पस होगा इधर। अच्छा, ये नीचे जो हिल है ना, ये यहाँ पर इसके नोब्स लगेंगे, मैं आपको इसका लगा के भी दिखा देता हूँ। ये नोब्स में स्क्रू है, क्योंकि ये हिल रहा था ना, मुझे यहीं से अंदाज़ा हो गया था नहीं हिलेगा तो फिर पानी वानी वगैरह तो गिर जाएगा। भाई इस तरीके से नोब लगेंगे इसके सारे चारों। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका इलेक्ट्रिक स्टोव तैयार हो जाएगा। मैंने आपको तरीका भी बता दिया इसका, कुछ खास नहीं है। इसकी प्राइस जो है मैं साइड में शो कर दूंगा, 2500 का आपको बासानी हर जगह से मिल जाएगा ये वैसे। और इसकी जो क्वालिटी है कैसा ये हीट गर्म करता है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको भाई इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी यहाँ पे पिन कर दूंगा वीडियो जो चलने के बाद कैसा लगता है ये, या कमेंट में मैं इसका लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में भाई इतना ही है, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, H4Tech नीचे एक रेड कलर बटन को उसके बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को बिल्कुल ही फ्री है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जली ना तेरी भी जली ना।